हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे गाइस, और बहुत बढ़िया रहना भी है। तो गाइस यार, हम लोग आ चुके हैं एक और नया वीडियो लेकर के, और इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं भाई लो लेवल डेजर्ट ईगल वर्सेस मैक्स लेवल डेजर्ट ईगल में क्या फ़र्क है। तो गाइस यार, बहुत सारे बंदे हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं यार कि गन अपग्रेड करें या ना करें। और जितने भी भाई प्रो लेवल के बंदे होते हैं या जिनका भी गन अपग्रेड होता है, वो अपने से छोटे लेवल के बंदों को एक ही चीज़ सिखाते हैं कि भाई यार, गन अपग्रेड से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं, स्किल्स पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, गन्स अपग्रेड करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस यार, अगर गन अपग्रेड के लिए दिया जा रहा है तो भाई कुछ तो फर्क पड़ता होगा। तो भाई यार, इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो भाई यार, वीडियो को पूरा देखना, और अगर कोई भी बंदा चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे, लेट्स गो। तो गाइज यार, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एक साइड पे लो लेवल डेजर्ट ईगल है, एक साइड पे मैक्स लेवल डेजर्ट ईगल है। पावर दोनों के देख लेते हैं, 7 और 10 है। फायर रेट 13-15, एक्यूरेसी 16-18, क्लिप साइज 15-25 मिली 7 और 10, मैक्स जूम 2x × 3x। तो गाइज यार, सबसे पहले अभी हम लोग चेक कर लेते हैं लो लेवल डेजर्ट ईगल को। अगर आप किसी भी एनिमी को लो लेवल डेजर्ट ईगल से हेडशॉट लेते हो तो आपको यहाँ पे लग सकते हैं टोटल 10 बुलेट्स। वहीं अगर आप लोग लो लेवल के डेजर्ट ईगल से किसी भी एनिमी को बॉडी शॉट लेते हो तो यहाँ पे आप लोग को लग सकते हैं टोटल 15 बुलेट्स। वहीं अगर आप लोग लो लेवल के डेजर्ट ईगल से किसी भी एनिमी को क्राउच शॉट लेते हो तो आप लोग को यहाँ पे लग सकते हैं टोटल 16 बुलेट्स। तो गाइस यार, अब हम लोग चेक कर लेते हैं मैक्स लेवल डेजर्ट ईगल को। तो भाई यार, अगर आप लोग किसी भी एनिमी को मैक्स लेवल डेजर्ट ईगल से हेडशॉट लेते हो तो यहाँ पे आप लोग को लग सकते हैं टोटल 9 बुलेट्स। वहीं अगर आप लोग मैक्स लेवल डेजर्ट ईगल से किसी भी एनिमी को बॉडी शॉट लेते हो तो यहाँ पे आप लोग को लग सकते हैं टोटल 12 बुलेट्स। वहीं अगर आप लोग मैक्स लेवल डेजर्ट ईगल से किसी भी एनिमी को क्राउच शॉट लेते हो तो यहाँ पे आप लोग को लग सकते हैं टोटल 12 बुलेट्स। तो गाइस यार, यहाँ पे आप लोग स्टेटस देख सकते हो, हेडशॉट 10 और 9 है, बॉडी शॉट 15-12 है, क्राउच शॉट 16 और 12 है। तो गाइस यार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, गन अपग्रेड करने के बाद बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा है, हेडशॉट में सिर्फ और सिर्फ 1 बुलेट्स का फर्क पड़ा है। तो भाई यार, आप अपग्रेड करो चाहे मत करो, डेजर्ट ईगल लगभग एक बराबर सा ही है, लेकिन यार अपग्रेड करने के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, मतलब 5% 10% सा फर्क पड़ेगा। तो गाइस यार, डेजर्ट ईगल आपका अगर अपग्रेड नहीं है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप बिना अपग्रेड पे भी अच्छा खेल सकते हो। तो गाइस यार, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बंदों के माइंड का कंफ्यूजन दूर हो चुका है। तो गाइस यार, स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दो, गन्स थोड़े बहुत मैटर करते हैं लेकिन सारे गन्स मैटर नहीं करते हैं, कुछ कुछ गन्स मैटर करते हैं। अभी मैं और भी बाकी सारे गन्स का भी ऐसे डिटेल्स आप लोग को दे दूंगा। तो गाइस यार, कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज यार, क्या आपको पता है लो लेवल उजी वर्सेस मैक्स लेवल उजी में क्या डिफरेंस है? अगर नहीं पता तो भाई यार, आपकी स्क्रीन पर राइट साइड पे ये रहा, टैप करो, वीडियो को जा करके पूरा देखो। और अगर आप लोग क्लासिक के बहुत बड़े फ़ैन हो और चाहते हो कि आप भी भाई आपके जल्दी से फ़ोन में क्लासिक आ जाए या फिर प्ले स्टोर पर शो करे, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है कैसे आपके फ़ोन में क्लासिक डाउनलोड होगा। लेफ्ट स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, टैप करो, वीडियो को पूरा देखो।